मॉर्निंग और गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माई ब्लॉग नंबर 2। और आज के ब्लॉग स्पेशली 2023 के लिए होने वाली है क्योंकि 2023 के लिए मेरा कुछ कुछ चीजें प्लान करनी है, रिजोल्यूशन लानी है। सो उसके लिए हम एक डायरी लेके आई हूँ मैं कल जाके स्टोर से, सो दैट हम प्रॉपरली प्लान कर सके और कुछ अच्छे अच्छे चीजें हैबिट्स बिल्डअप कर सके। तो इसके लिए मैं मेरी क्यूट सी प्लानर लेके आई हूँ। सो दिस इज अ प्लानर और इस बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और लेट्स डू इट। तो मेरा गोल है ये है कि पहला चीज है स्टॉप ओवरथिंकिंग। मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ। देन एज यूजुअल मुझे अच्छा खाना है, हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, हेल्थ का ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ मेरी जो गोल्स है, जैसे मेरे को जो अचीवमेंट चाहिए उसके लिए काम करना है, जैसे यूट्यूब के लिए, मेरे अपने स्टडीज के लिए, एंड मुझे थोड़ी सी वोकैबुलरी भी मेरे उसके ऊपर काम करना है। तो ये सारे मेरे गोल्स हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे मैंने पॉइंट्स रखा है कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। सो ये मेरी प्लानिंग फॉर 2023। एंड गाइज सो लेट्स स्टार्ट द डे विथ, एक्चुअली मैं आज न्यू ईयर है तो न्यू बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। सो वी विल चेंज द बेडशीट एंड वी विल स्टार्ट द डे। ओके गाइज लेट्स गो फॉर दिस डे व्लॉग। सो गाइज आई एम डन विथ माई बेड मेकिंग, सो लेट्स गो टू द किचन टू क्लीनिंग। और क्लीनिंग पार्ट में मुझे बहुत मजा आता है। सो या मैं किचन की जो फ्लोर है ना उसे पूरा क्लीन करूंगी और ये चीज़ ना बहुत सेटिस्फाइंग लगती है एक्चुअली। सो या क्लीन करने के बाद गाइज फ्रूट बाउल बनाने वाली हूँ। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी को ना नमक के पानी में भिगा के रखी थी सो दैट उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह रहे निकल जाए। एंड या देन अच्छे से वॉश कर दूंगी। उसके बाद गाइज उसे कट करेंगे। उसे कट करने से पहले गाइज पहले ये ककड़ी को काट देते हैं क्योंकि हमें कुकुम्बर स्लाइस चाहिए डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए। सो लेट्स मेक द डिटॉक्स वाटर। एंड मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर, मैंने आपको बताया मेरा बहुत सारा रिजोल्यूशन है 2023 के लिए और उसमें से एक चीज़ है हेल्दी फूड खाना, एंड इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और उसके बाद फ्रूट्स काट रही हूँ, जैसे मुझे ये स्मॉल एप्पल, मुझे किस किस को एप्पल में ना थोड़ा सा कच्चापन अच्छा लगता है, मुझे ना बहुत कच्चापन अच्छा लगता है। जब वो पक जाता है ना बहुत अजीब सा फीलिंग आती है मुझे, तो मैं वो नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा एप्पल पसंद है जो थोड़ा कच्चा रहे। देन गाइस स्ट्रॉबेरी को काट रही हूँ और मुझे कटिंग बहुत पसंद है एक्चुअली, मुझे कुकिंग से ज़्यादा कटिंग पसंद है। मतलब मैं जब भी मेरे घर के बहुत सारे सिस्टर के साथ रहती हूँ तो वो लोग मुझे सारे मिलके बोलते काट दे तो सारे सब्जी, बहुत अच्छे से काटती है और खाना वो लोग बनाते हैं और मैं तारीफ बहुत कर सकती हूँ क्योंकि अच्छा खाना बनाते हैं ऑब्वियसली। सो या आई एम डन विथ फूड बाउल, सो लेट्स प्रिपेयर द डिटॉक्स वाटर। जो भी बाकी था उसमें डाल देंगे, नींबू वगैरह और सारे फ्रूट्स भी डाला है। सो या डिटॉक्स वाटर को छोड़ देते हैं उधर ही। सो लेट्स प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पोहे और उसके साथ चाय। ऑब्वियसली पोहे और चाय की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और हाँ अभी पोहे बना लिया मैंने और उसके साथ साथ कैरेट खा रही हूँ। बहुत दिन से कैरेट पड़ा हुआ था, वैसे तो ऐसा नहीं था कि हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ खाना है, बट हाँ बहुत दिन से कैरेट था तो सोचा खा ही लेती हूँ। सो ब्रेकफास्ट हो गई, उसके बाद ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ। और गाइस आप देख रहे हैं ना, सोच रहे ये पार्सल बहुत बड़ी है, कुछ चीज़ें निकलेंगे। हाँ गाइस मैंने ना 4 शैम्पू ऑर्डर किया है और ये जो मेरे शैम्पू है ना वो एक पैक में नहीं आता है तो 4 ही लेना पड़ता है। और ये फुल्ली ऑर्गेनिक शैम्पू है और मैं मेरे बालों में तेल भी लगाने वाली हूँ और ये वाला ऑयल भी फुल्ली ऑर्गेनिक ऑयल है। इसमें स्मेल भी बहुत है और बहुत स्टिकी भी है। और इफ़ आपको चाहिए तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। एंड गाइस देन मैंने सावर ले लिया एंड आई एम पुटिंग माई मॉइस्चराइज़र ऑन क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने से
हेल्दी रहती है स्किन। देन गाइस हमने डिटॉक्स वाटर पी लिया एंड आउटफिट प्रिपेयर कर रही हूँ आज के दिन के लिए। और ऑलरेडी ये वाला लुक मैंने शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ एंड फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी एंड दिस इज़ सो कूल एक्चुअली। देन गाइस आई एम गोइंग टू कोरियन स्टोर क्योंकि गाइज मुझे कुछ कुछ सामान लेना था। एंड गाइज मुझे रास्ते में ये क्यूटी मिली जो मुझे बहुत इशारा से बुला रही थी। वैसे भी तो मुझे जानवर से बहुत प्यार है, एनिमल से मुझे बहुत प्यार है एक्चुअली। तो वो उसको थोड़ा प्यार किया, उसके बाद उससे बात किया। देन गाइज मैं कोरियन स्टोर में आ गई हूँ जो जयनगर में है। और गाइज एंट्री करते ही मुझे ना इधर स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ इधर क्या क्या मिल रहा था। अब देख सकते हैं फेस मास्क मिल रही थी, देन आपको ये सारे पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोज़ मिल रही थी जो बहुत सारे फेमस कैरेक्टर और BTS और बहुत सारे सिंगर्स की ऐसे फ़ोटो था। देन गाइस ये आप देख सकते हैं कॉमिक बुक था और उसके ऊपर चॉकलेट थी, बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। बहुत छोटी सी स्टोर थी बट बहुत सारे चीज़ें थी। मैं एक्चुअली बिग फैन नहीं हूँ इस चीज़ का बट अच्छा लगता है। देन गाइज मैं जिस चीज़ का बिग फैन हूँ हियर आई एम फूड की, कोरियन फूड की। मुझे बहुत अच्छा कोरियन फूड मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली। जो नूडल्स होती है स्पेशली किमची वगैरह बहुत बहुत टेस्टी लगती है। एंड इधर बहुत सारे वैरायटी ऑफ नूडल्स था, आप देख सकते हैं सारे जितने भी बहुत सारे थे एक्चुअली। सो या गाइस जूस भी थी एंड रामेन थी। देन गाइस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स भी थी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड था एक्चुअली। तो वो लोग बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, वो लोग म्यूजिक भी एल्बम्स भेजते हैं तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैंने सुना उनकी कंपनीज़ के बारे में। तो इसकी लोकेशन मैं डाउन में मेंशन कर दूंगी। देन गाइस मैं निकल पड़ी हूँ आनंद, आनंद से मिठाई खाते हैं आज के दिन। देन गाइस मैं घर पर जाके आपको सारे सामान दिखाऊँगी। हे गाइस सो वापस मैं आ चुकी हूँ घर पे और हमने आज क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। सो हियर इज माय बैग। और मैंने जो पहले चीज लेके आई हूँ ना, ये एक पोस्टर था कोरियन स्टोर में, मतलब जापनीज एनिमी का एक पोस्टर था और मुझे कोई आइडिया नहीं है बाय द वे, बट हाँ मेरे फ्रेंड को आइडिया था तो उसके लिए लेके आई हूँ। सो दिस वन ओके। देन गाइस उसके बाद मैंने लेके आई हूँ स्टोर से फूड प्रोडक्ट। हियर इज द किमची गाइस जो मुझे बहुत पसंद है, एक दो बार खा चुकी हूँ। और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, प्राइस टोटल 500 का था और प्राइस आई थिंक 120 की ईच है, एक एक का 120 का है। इसके बाद गाइस मैंने ना एक कोरियन फेस मास्क लिया जो ये है और इसकी नेम है गोल्ड प्लस चारकोल की फेस मास्क है और बहुत ही अच्छा होता है कोरियन फेस मास्क, सो मैंने लेके आई हूँ। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, लेट मी चेक दिस प्राइस यूजुअली मुझे हाँ 159 मिलती नहीं है एक्चुअली, 159 की इसकी प्राइस है। और इसको लगा के मैं आपको रिव्यू दूंगी जल्दी से। देन गाइज मुझे ऐसे सिंपल सा कलम लेके आना था मेरे स्टडीज के लिए तो मैं ब्लू पेन्स लेके आई हूँ। सो उसके बाद वो कोरियन स्टोर से और एक चीज लेके आई हूँ जो रियल थाई का रेड थाई करी जो है उसकी मिक्स लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो मैं कभी भी अकेले घर पे हूँ तो कुछ वेजिटेबल सारे मिला के ये वाला मिक्स डाल के बना सकती हूँ रेड थाई करी। सो या इसकी प्राइस है 215 rupees। सो दिस ऑल द थिंग्स आई बॉट टूडे गाइस। और उनकी स्टोर की कार्ड भी मिला मुझे टू प्रमोट, मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए। सो या मैं ऑल द डिटेल्स दे दूंगी नीचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज एंड प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय।